हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल भदौरिया जीएस क्लासेस में। आज से आपको डेली करंट अफेयर्स क्लास अब मॉर्निंग 8 बजे से लेने वाले हैं आप सबके लिए ये क्लास। और अब ये क्लास रेगुलर चलेगी, 10 क्वेश्चन ही क्लियर कराएंगे। मोस्टली 10 to 15 मिनट्स की ये क्लास रहेगी। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मोस्टली 10 क्वेश्चंस ही हैं, बस इनका डिटेल अध्ययन थोड़ा सा कर लिया करेंगे। तो आप सभी लोग तैयार रहिए, करेंट अफेयर क्लास डेली रहेगी आपकी अब से 8 बजे। तो आप सभी रेगुलर अपने टाइम पर ऑनलाइन आ जाया करिए, ठीक है। और इसके बाद 9:30 बजे जो हमारी रेगुलर क्लास रहती है वो रेगुलर क्लास अपने टाइम पर लगती रहेगी, ठीक है। चलिए तो पहले क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन समझ लिया होगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी न्याय विकास योजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन याद में रखना है। देखिए मैं अगर बात करूं तो इसका जो आंसर्स बनेगा वो ऑप्शन होगा ए छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य की जो सरकार है इसने राजीव गांधी न्यास विकास योजना की शुरुआत की है। ये योजना किस टाइप की योजना है उसको समझ लीजिए। यह योजना COVID-19 महामारी के बीच राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए चालू की गई है। यानी COVID-19 जो प्रोग्राम जो आप जानते हैं कि सभी पूरे देश में COVID-19 मोस्टली कोरोना जो बीमारी है उसके कारण देश में बवाल मचा हुआ है। और अभी हाल ही में किसान जो थे वो एक प्रॉपर तरीके से अगर हम बात करें तो इनकी कृषि अर्थव्यवस्था चौपट होती चली जा रही थी। तो देश में हर राज्य अपने लिए कुछ ना कुछ बेहतर कर रहा है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने अभी COVID-19 महामारी से ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसे बढ़ाने के लिए ये योजना चालू की गई है, ठीक है। अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेश सिंह बघेल हैं। अगर हम बात करें तो ये भूपेश सिंह बघेल जो है कांग्रेस की सरकार है अभी छत्तीसगढ़ में इस समय। अगर यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें बात करें तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 11 हैं, राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 5 हैं और विधानसभा की जो सीटें हैं वो 90 हैं। तो ये नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। देखिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ लोकसभा सीटें कितनी होंगी, लोकसभा सीटें कितनी हैं 11, विधानसभा सीटें कितनी हैं 90, विधानसभा सीटें जो हैं वो 90 हैं और राज्यसभा जो सीटें हैं और जो राज्यसभा सीटें हैं वो कितनी हैं अगर हम बात करें तो 5। कितनी? 5। तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश सिंह बघेल, बघेल, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका करेक्ट होता है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हाल ही में NTPC, आप जानते ही हैं हाल ही में NTPC अंतरराष्ट्र हाल ही में NTPC ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो हाल ही में NTPC ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए ONGC, ऑप्शन बी MSME, तीसरा ऑप्शन टाटा पावर, चौथा ऑप्शन सैमसंग। तो इसका आप मुझे कमेंट करके जल्दी से जल्दी आंसर्स बताइए, तब तक मैं आप इसका आंसर्स क्लियर कराता हूं। देखिए पहला जो ऑप्शन है ONGC, इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? ONGC करेक्ट आंसर होगा। ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अगर मैं बात करूं कि ONGC की स्थापना कब हुई थी अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को। तो 14 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। ONGC का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है वो मैं बता दूँ तो ONGC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसके लिए थोड़ी सी बात करें तो इसके जो अभी CEO हैं वो शशि शंकर हैं। कौन है? शशि शंकर। तो इसके CEO अभी इस समय कौन है? शशि शंकर हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा। तो देखिए हाल ही में NTPC ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए जो ज्वाइंट उद्यमी को ज्वाइंट कर रहे हैं किसके साथ करार किया है? ONGC। ONGC क्या है? एक प्रसिद्ध ऑयल कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है जिसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी और इसके जो CEO हैं वो शशि शंकर हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद में यहीं पर मैं थोड़ी सी जानकारी NTPC के बारे में भी देना चाहूँगा। थोड़ा ऊपर दिख रहा है, अच्छा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत से लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं यहाँ पे बताऊँ। ONGC का जो मुख्यालय है, देखिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, तो इसका
ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि आपके लिए और थोड़ा सा ध्यान में रखना है, देखिए चलिए मैं थोड़ा सा कॉरपोरेशन यहाँ पर देख लीजिए, जो दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ। देखिए ONGC का मुख्य अगर स्थापना बात करें तो कब हुई थी, 14 अगस्त 1956 को हुई थी, और इसके CEO इस समय कौन है, शशि शंकर है। कौन है, शशि शंकर है। तो इसके CEO कौन है, शशि शंकर है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्टली शशि शंकर CEO किसके हैं, ONGC के हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कहते हैं, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, 14 अगस्त 1956 को स्थापना हुई, CEO शशि शंकर हैं। अब देखिए आपसे पूछा गया कि करार किन किन के बीच में हुआ है, अगर बात करें तो ONGC और NTPC के बीच, तो NTPC से भी रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके क्लियर करा देता हूँ मैं यहीं पर, तो आप देख लीजिए फटाफट। तो मैं इसको साफ करता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि मैं NTPC का फुल फॉर्म अगर आप लोगों से पूछा जाए तो क्या होगा, NTPC का फुल फॉर्म होगा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो बनेगा, NTPC का फुल फॉर्म होगा, एक मार्कर चेंज करके दे दो, ब्लू ब्लैक। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो बनेगा वो NTPC का प्रमुख होगा। तो ये आप याद रखिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, NTPC का नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा देखें तो आपके लिए मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। तो देखिए इससे आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पर आपके लिए मैं बात करूँ NTPC की स्थापना कब हुई थी, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि NTPC की स्थापना कब हुई थी, तो 7 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, इसकी स्थापना जो हुई 7 नवंबर 1975 को हुई। अगर आपसे पूछा जाए NTPC की स्थापना कब हुई, 7 नवंबर 1975 को हुई थी, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। तो NTPC का मुख्यालय भी कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। अगर इसके चेयरमैन और MD की बात करी जाए तो इसके MD कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, गुरदीप सिंह है। कौन है, गुरदीप सिंह है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए NTPC के चेयरमैन इस समय कौन है, गुरदीप सिंह है। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुई, 7 नवंबर 1975 को हुई। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ONGC के बीच जो करार हुआ वो क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया, या जैव विविधता दिवस कब मनाया गया। तो क्वेश्चन आपको थोड़ा समझना है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया गया। तो जल्दी से जल्दी मुझे आंसर्स करके बताइए आप लोग कि जैव विविधता दिवस कब मनाया गया। चलिए देख लेते हैं आप सबके। तो हाल ही में जैव विविधता दिवस जो मनाया गया वो 22 मई को मनाया गया। तो ऑप्शन है आपके 20 मई, 22 मई, 23 मई, 18 मई, जिसमें ऑप्शन बी करेक्ट है आपका 22 मई। देखिए ऑप्शन क्या करेक्ट है, 22 मई, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अगर मैं बात करूं इस दिवस का उद्देश्य क्या है, पृथ्वी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करना है। तो अगर बात करें जैव विविधता दिवस क्यों मनाया जाता है, कि पृथ्वी के जो लोग हैं उनको हम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए या स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या करें, उनको जागरूक करें। इसलिए हर वर्ष 22 तारीख को हम हर वर्ष क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। अगर बात करें कि इस दिवस को मनाने की जो घोषणा हुई थी, इस दिवस को मनाने की घोषणा किसने की, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि इस दिवस को मनाने की घोषणा किसने की, तो इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनाइटेड नेशन ने की थी, UNO ने की थी, मोस्टली UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर आपसे पूछा जाए कि जैव विविधता 2020 का थीम क्या है, तो जैव विविधता 2020 का जो थीम है वो थोड़ा सा अगर हम देखें तो इसका थीम है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। तो इसका जो थीम है, आप नीचे देख लें, थोड़ा सा दिख रहा है क्या, ठीक है, आवर सॉल्यूशन थीम थीम इन नेचर, ठीक है, आवर सॉल्यूशन थीम इन नेचर। तो आपको तो याद रखना है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर भी कर सकते हो। अगर मैं बात करूं, एक मिनट, थीम को ना करें, तो यहां पर हम बात करें आर, ठीक है, तो आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर हम इसका सही आंसर मानेंगे जो इसका थीम होगा। तो इसको आपको याद रखना है। एक मिनट, मुझे कुछ लग रहा है यार, चलिए देख लेते हैं, मुझे कुछ महसूस हो रहा था अलग से, चलिए देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप यहां पर देखें,
तो ये क्वेश्चंस आपको समझना है कि कैसे भी अगर हम बात करेंगे 22 मई दिवस को मनाने के यूएनओ ने घोषणा की है 2020 में, इसका जो थीम है वो आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर है। तो आपसे पूछा जाए जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, आप लगाएंगे 22 मई दिवस को मनाने की घोषणा किसने की थी, यूएनओ ने की थी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने की थी, 2020 का इसका थीम क्या है, तो आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर इसका थीम है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए यूएनओ की स्थापना कब हुई, तो आप सबको मालूम है 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर हम बात करें वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है यूएनओ का। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए तो न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में सदस्य देश 193 है, देशों की संख्या कितनी है 193 है, और अभी इसके जो सचिव जो महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुनारेज, एंटोनियो गुनारेज जो कहाँ से हैं, पुर्तगाल से हैं, कहाँ से हैं, पुर्तगाल से हैं, पुर्तगाल के पूर्व पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, तो एंटोनियो गुनारेज अभी यूएनओ के क्या है, सचिव हैं। तो एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चंस क्लियर करे हैं, आपको याद रखना है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, कितने देश हैं 193 देश हैं अभी सदस्य, एंटोनियो गुनारेज के अभी कौन है, सचिव हैं, और ये कहाँ से हैं, पुर्तगाल से हैं, स्थापना कब हुई 24 अक्टूबर 1945 को हुई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसके आंसर्स आप बताइए, अगर मैं बताता हूं तो क्वेश्चंस क्या है वो पढ़ लीजिए आप लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मणिपुर। तो आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके आंसर्स बताइए कि आपका क्या आंसर्स होगा। ठीक है, तब तक मैं आपके आंसर्स पर नजर डाल रहा हूं, तो आपके लिए जो मैं अब करेक्ट आंसर्स बताता हूं, तो इसका करेक्ट आंसर्स होगा ए उत्तर प्रदेश, यूपी ने, देखिए आपने अभी समझा है कि यूपी स्टार्टअप फंड वैसे ही दे दिया है कि किस राज्य सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड, तो अपने नाम से ही दिया है उत्तर प्रदेश। देखिए इस फंड का उद्देश्य क्या है, स्टार्टअप फंड का उद्देश्य क्या है, इस फंड का उद्देश्य क्षेत्रों में स्वरोजगार और स्वावलंबन की भूमिका को बढ़ावा देना है, यानी व्यक्ति खुद रोजगार ढूंढे, स्वरोजगार यानी अपनी इच्छा से रोजगार मिल जाए उसे, और स्वावलंबन अपने अपने पैरों पर क्या हो जाए, खड़ा हो जाए। तो ऐसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना यूपी स्टार्टअप जो योजना है वो चालू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इस योजना में अगर हम बात करें तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ पॉइंट बना देता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है। यूपी की जो राजधानी है वो लखनऊ है, अगर मैं बात करूं कि यहां के जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो हमेशा भारत के पॉपुलर सीएम के तौर पर जाने जाते हैं। यहां के जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, और अगर बात करें तो यहां का जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, गोविंद माथुर हैं। तो आपको कुछ चीजें ये याद रखनी थी, अगर मैं आपको नोट डाउन कुछ चीजें कराऊंगा तो यहां से लोकसभा राज्यसभा की सीटें क्लियर कराऊंगा। तो आप देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि यहां लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा की जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, देखिए आप सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो लोकसभा की जो टोटल सीटें हैं वो यहां पर 80 हैं। आपसे पूछा जाए राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो राज्यसभा की जो सीटें बनेंगी आपके लिए वो बनेंगी 31 सीटें हैं। और आपके लिए अगर मैं बात करूं कि विधानसभा की टोटल सीटें कितनी हैं, तो विधानसभा की टोटल सीटें जो है वो आपके लिए 404 है, कभी 403 होती थी, एक स्टेट और बढ़ा दिया है, तो आप कितनी हो गई हैं 404। तो विधानसभा की जो टोटल सीटें हैं वो 404 हैं, कभी 403 होती थी। अगर उत्तर प्रदेश के पड़ोसी देश की हम बात कर लें तो इसकी सीमा एक विदेशी देश से लगती है जिसका नाम है नेपाल। तो उत्तर प्रदेश की सीमा का एक विदेशी पड़ोसी देश भी है जिसका नाम है नेपाल। तो आपको इतनी चीजें याद रखनी थी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया, थोड़ा समझना है इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आपके लिए कि हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया। देखिए टर्टल जो दिवस है वो हाल ही में कब मनाया गया, ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर 18 मई, 19 मई, 21 मई, 23 मई। अब आपको ध्यान में रखना है कि अगर मैं बात करूं कि आज से दो दिन पहले ही 23 मई निकला है, इसका आंसर जो बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा, और डी ऑप्शन है हमारा 23 मई। ठीक है, तो हाल ही में कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, मनाया गया
23 मई को मनाया गया। अब देखिए, आपसे पूछा जाए कछुआ दिवस मनाने की क्या जरूरत पड़ी, तो मैं बता दूं आपको इसका उद्देश्य क्या है, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है या कछुआ दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। तो दुर्लभ प्रजाति के जो कछुए हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं, जो दुर्लभ प्रजाति के कछुए हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं, उन्हें बचाने के लिए और उनमें जागरूकता फैलाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। ये योजना क्या कर रहे हैं, चलाई जा रही है। तो आपको याद रखना है, इस दिवस को मनाने की घोषणा अगर बात करें तो अमेरिकी टर्टाइस रेस्क्यू ने की थी। सबसे पहले अगर बात करें कि ये कछुआ दिवस मनाने की शुरुआत किसने की, अमेरिकी टर्टाइस रेस्क्यू ने की थी सबसे पहले, ठीक है। तो ये शुरुआत सबसे पहले यहां से की, तब से हर देश ने कुछ ना कुछ अपने लिए ये चालू कर दिया इसको मनाना, ठीक है। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, 23 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि दुर्लभ प्रजाति के कछुओं को हमें बचाना है, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, हाल ही में किस कंपनी ने टर्मरिक फिन क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। लिखना भूल गए हैं तो आप ध्यान में रख लेंगे, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ए रिलायंस, ऑप्शन बी इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड, ऑप्शन सी HUL, ऑप्शन डी ITC। तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए आपके आंसर्स क्या होंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके, चलिए देख लेते हैं इसका जो आंसर्स बनेगा वो आंसर्स बनेगा बी ऑप्शंस। मैं ऊपर लिखता हूं थोड़ा सा, इसका जो ऑप्शंस होगा वो बी ऑप्शंस क्लियर होगा। बी ऑप्शंस क्या है तो वो देखिए आप लोग, बी ऑप्शंस क्या बनेगा आपके लिए, इंटरनेट, अगर आपसे क्वेश्चन क्या दिया है, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड बनेगा। तो आपने समझ लिया होगा क्वेश्चन। अगर बात करें कि ये क्या है, इसको समझना है तो मैं बता दूं, इस प्लेटफॉर्म में जो इंटेलेक्ट, या अगर बात करें कि टर्मरिक फिन क्लाउड जो प्लेटफॉर्म है इसका उद्देश्य क्या है, तो इस प्लेटफॉर्म में रिटेल बैंकिंग, उधार, उत्पत्ति, कॉरपोरेट बैंकिंग, API जैसी कई सुविधाओं में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। अर्थात ये जो सुधार है वो बैंकिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है, बैंकिंग से संबंधित है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आगे बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी बोलते हैं, तो इग्नू के ऑनलाइन MA कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। किसने इग्नू के ऑनलाइन MA कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, तो MA कार्यक्रम के शुभारंभ करने के लिए कौन व्यक्ति गया, आपको याद रखना है, पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति ईरानी। तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, ओके। चलिए मैं बता देता हूं इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, रमेश पोखरियाल निशंक। इसका आंसर क्या बनेगा सही, रमेश पोखरियाल निशंक। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि रमेश पोखरियाल निशंक अभी वर्तमान में कौन से केंद्रीय मंत्री हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा है, तो आप मुझे जल्दी से जल्दी इसके कमेंट करके बताइए, तब तक मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो देखिए हाल ही में क्या हुआ है, इग्नू के ऑनलाइन MA कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया वो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम से हमारी बड़े इंडिया ऑनलाइन पहल को मदद मिलेगी, किसको, देखिए अगर हम बात करें कि इग्नू MA पढ़े इंडिया ऑनलाइन, अब क्या हो गया है कि ज़्यादातर देखिए क्लासेस रेगुलर या ऑफलाइन होना मुश्किल हो गया है, तो सभी लोग ऑनलाइन आ गए हैं। तो ऑनलाइन आने के लिए अब जो कॉलेजेस हैं वो अपनी पढ़ाई को अब ऑनलाइन लेकर आ रहे हैं, तो पढ़े इंडिया ऑनलाइन पहल को इससे क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो के साथ साथ ऑडियो लेक्चर ले सकते हैं, ट्यूटोरियल एवं वेबसाइट्स पर उपलब्ध होंगे, नोट्स वगैरह प्रोवाइड हो जाएंगे वहीं पर, तो आपको इससे क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो हमें इससे क्या मिलने वाला है, फ़ायदा मिल रहा है। तो रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं इस समय। कौन है ये, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, ठीक है। तो अभी रमेश पोखरियाल निशंक कौन है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं आपके लिए, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर मैं इग्नू की बात करूं तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज का पूरा नाम होता है। देखिए इग्नू अगर आपसे बात करें, एक मिनट, इग्नू जो हम बात करें, AGN
AGNOU बनती है, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय हिंदी में बोलते हैं, तो आपको ये याद रखना है। कर पाएंगे क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। चलिए, हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड 19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ साझेदारी की है? क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए, हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड 19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए है यूएन, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी एडीबी, ऑप्शन डी डब्ल्यूएचओ। तो आप मुझे कमेंट करके जल्दी से जल्दी आंसर्स बताइए आपके, देख लेते हैं कि कितने लोगों के सही आंसर्स हैं। ओके, चलिए तो मैं इसका आंसर्स बता देता हूँ। इसका जो आंसर सही बनेगा वो बनेगा यूनिसेफ। क्या बनेगा? यूनिसेफ। अगर मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ आपको, यूनिसेफ, ठीक है। इसका जो आंसर्स बनेगा वो क्या बनेगा? यूनिसेफ बनेगा। देखिए, अगर यहाँ पर बात करें कि इस साझेदारी का उद्देश्य क्या है, यूनिसेफ के साथ जो साझेदारी हम करने वाले हैं कोविड 19 प्रभावित बच्चों परिवारों की मदद के लिए, तो क्या है इस साझेदारी का उद्देश्य? है बच्चों को दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन तक पहुंच प्रदान करना है और मोबाइल नगद हस्तांतरण के माध्यम से उनके परिवारों तक नगद सहायता पहुंचाना है। जैसे मान के चलो कोई गरीब परिवार है, हम लोग उसे पैसा दे रहे हैं और वो पैसा उस तक नहीं पहुंच रहा है, अब क्या होगा? डायरेक्ट उसके मोबाइल में वो पैसा पहुंचाया जाएगा मोबाइल नगद हस्तांतरण के माध्यम से। और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको डिस्टेंस एजुकेशन का प्रोवाइड कराया जाएगा, तो वो क्या करने लग जाएंगे? डिस्टेंस एजुकेशन हो जाएगी। तो आपको ये याद करना है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ थोड़ा सा यहाँ से आपके लिए, कि कैसे पहुँचने वाला है ये, कि देखिए, अगर मैंने अभी आपको बताया था कि इस क्वेश्चन का जो आंसर्स है वो क्या बनेगा, यूनिसेफ बनेगा, एयरटेल क्या है, एयरटेल अफ्रीका मतलब मोस्टली एयरटेल कंपनी है, क्या है ये भारत की टेलीकॉम कंपनी है, एयरटेल क्या है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग, सब लोग जानते ही हैं वैसे मोस्टली, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसको डिटेल बता देता हूँ। एयरटेल भारत की टेलीकॉम कंपनी है, एयरटेल कंपनी भारत की है, ठीक है, तो भारत की कंपनी है और टेलीकॉम कंपनी है, अर्थात आप जानते हैं मोबाइल सिम वगैरह आप यूज करते हैं, इसके सिम यूज करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एयरटेल कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 7 जुलाई 1995 को हुई थी। एयरटेल कंपनी की जो स्थापना हुई 7 जुलाई 1995 को हुई थी। अभी वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं यानी इस कंपनी का जो मालिक है वो सुनील भारती मित्तल हैं। कौन है? सुनील भारती मित्तल। इंडिया के टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियल में इनका नाम आता है, स्टील किंग के नाम से भी थोड़े से जाने जाते हैं, लक्ष्मी मित्तल है, ये सुनील भारती मित्तल है। तो मोस्टली इनका जो टेलीकॉम कंपनी है उन पर एक अधिकार है। मोस्टली अगर बात करें इसके इस समय सीईओ और एमडी कौन है? गोपाल मित्तल है। इसके सीईओ अभी इस समय कौन है? गोपाल मित्तल है। कौन है? गोपाल मित्तल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मोस्टली ये क्वेश्चंस आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट चीजें आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चंस डाल रहे हैं, तो वो देख लेते हैं। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन रह जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के 100% सौर उपकरण, अगर हम बात करें सौरकरण के लिए या सौरीकरण के लिए, सौर ऊर्जा वाला, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के 100% सौरकरण के लिए योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है जम्मू, ऑप्शन बी है कोणार्क, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है जालंधर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉजिक क्वेश्चंस है और आपको अपना दिमाग लगाना है, तो मुझे जल्दी जल्दी बताइए केंद्र सरकार ने किस शहर को 100% सौर संस्करण के लिए योजना लागू की है? जम्मू, कोणार्क, दिल्ली, जालंधर। देखिए यहाँ पर जो आंसर्स होगा वो बी ऑप्शन होगा, इसका नाम है कोणार्क। क्या नाम होगा? कोणार्क। कोणार्क जो है वो शहर उड़ीसा में आता है। कहाँ आता है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कई सारी चीज़ों के लिए आप जानते हैं, उड़ीसा सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, उड़ीसा में कटक स्टेडियम है, कोणार्क शहर मोस्टली यहाँ पर सूर्य मंदिर स्थित है इसलिए फेमस है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 मेगावाट की बिजली ग्रिड की स्थापना की जाएगी और इससे सौर ऊर्जा का क्या होगा कि उससे सौर ऊर्जा प्रोवाइड की जाएगी। तो कितने मेगावाट की बिजली हम यहाँ से उत्पादित करने वाले हैं? 10 मेगावाट का, क्योंकि ये सौर्य पर आधारित है या सूर्य ऊर्जा पर आधारित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चंस आज का, तो इस क्वेश्चंस के लिए बात करें तो आप लोग ध्यान में रख लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस है, हाल ही में चीन ने किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? अर्थात एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है लॉकडाउन के बीच में, चीन का ये डिसीजन लेना और बहुत सारी चीज़ों के लिए थोड़ी सी दिक्कत दे ही रहे हैं। तो हाल ही में चीन ने किस देश निर्यात पर 80% का ट्रैफिक लगा दिया है? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी इटली। तो
आपको करेक्ट आंसर्स मुझे बताना है, जल्दी से जल्दी बताइए, तब तक मैं आपका सॉल्यूशन बता देता हूँ। ओके, देख लेते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए आप लोगों को मैं आंसर्स बताऊँ, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। हाल ही में चीन ने जो 80% टैरिफ लगाया है वो ऑस्ट्रेलिया पर लगाया है। किस पर लगाया है? ऑस्ट्रेलिया पर लगाया है। देखिए मैं अगर बात करूं तो चीन कहीं ना कहीं अभी पूरे विश्व में कोरोना महामारी का गढ़ तो रहा ही था, अब सारी तरफ फैला दिया, तो जो देश उसके थोड़े विपरीत या अपोजिट चल रहे हैं उन देशों पर वो कुछ ना कुछ लगाकर अपने साथ मिलाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन अभी भी उसने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हैं जिसके कारण अगर मैं बात करूँ तो जिस क्वेश्चन पर हमें चर्चा करनी है वो यही है कि देश पर निर्यात 80% का टैरिफ किस पर लगाया है? ऑस्ट्रेलिया पर लगाया है। अगर हम बात करें तो ये क्या है उस चीज़ को समझ लीजिए। तो थोड़ा सा मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो राजधानी इसकी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो इसकी जो करेंसी है वो डॉलर में होती है। इसकी करेंसी क्या है? डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? डॉलर है। और इसका जो पीएम है, प्रधानमंत्री है, वो स्कॉट मॉरिसन है। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ये आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन है। चीन ने अभी हाल ही में क्या लगा दिया है यहाँ पर? 80% का टैरिफ लगा दिया है, यानी टैक्स वसूलेगा। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। आप जानते हैं चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर नाम मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी है ना, इसे सॉरो ऑफ चाइना भी कहते हैं। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है जिसकी किलोमीटर में लंबाई 6300 किलोमीटर है, ठीक है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में क्या है? पहले स्थान पर आता है, आप सब लोग जानते हैं। राजधानी बीजिंग है। करेंसी इसकी रेनमिनबी है, पहले युआन होती थी, अब क्या लगानी है आपको? रेनमिनबी लगानी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो सी जिनपिंग हैं, ठीक है। तो चाइना राष्ट्रपति कौन है? तो चाइना से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो आप लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट नोट कर लें फटाफट, जिन लोगों को जरूरी है वो चीज़ें मैं बता दूँ। तो देखिए चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की राजधानी क्या होगी? बीजिंग होगी। राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग। राष्ट्रपति कौन है चीन का? सी जिनपिंग, जिनपिंग, ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी। यांगसी नदी सबसे लंबी है, इसे येलो नदी भी कहते हैं और चीन का सूक भी कहा जाता है। तो मोस्टली 6300 किलोमीटर की इसकी क्या है? लंबाई है। एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है ये, ठीक है। तो ये आपके लिए याद रखना है। और इनकी मुद्रा जो है वो क्या है? रेनमिनबी, ठीक है। तो चाइना की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी, पहले युआन हुआ करती थी। और चीन जनसंख्या में विश्व का नंबर वन स्टेट है, नंबर वन कंट्री है, तो ये आप जानते ही हैं मोस्टली। तो ये क्वेश्चंस आपके आज के करेक्ट होते हैं। आप लोगों को आई होप ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। और आप सभी लोग इसी तरीके से करंट अफेयर्स डेली लाइव 8 बजे आ जाया करिए, आपको रेगुलर ये क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। धन्यवाद, राधे राधे। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ये कर दीजिए। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे।